हिमाचल प्रदेश से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर सोलन जिले के बद्दी के पास मलपुर पंचायत के दासोम जारा में प्रवासी कामगारों की झुग्गियों में आग लग गई और इस आग में 7 साल की बच्ची जिंदा जल गई और एक 6 माह की बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। बेहोशी की हालत में उसे बद्दी अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे PGI रेफर कर दिया। यह दोनों सगी बहनें थीं। जानकारी के मुताबिक एक झुग्गी में चूल्हे से उठी चिंगारी से यह आग लगी थी। देखते ही देखते तीनों झुग्गियां राख हो गई। वे प्रशासन से नायब तहसीलदार बलराज नेगी ने मौके पर आकर पीड़ितों को मुआवजा राशि दी। दरअसल यह दर्दनाक हादसा सोमवार को हुआ था और दासो माजरा में यूपी में अमरोहा जिले के तलवाड़ा गांव के रूप सिंह, रामवीर और संजय उद्योगों में कार्यरत है। यह तीनों इस दौरान अपनी ड्यूटी पर थे। रूप सिंह के अभी 6 माह बच्ची हुई थी। इसके चलते रूप सिंह की पत्नी रचना झुग्गी में थी। रचना अपनी 6 माह की बच्ची लक्ष्मी को सुलाने के बाद पानी भरने चली गई। लक्ष्मी के साथ उसकी बड़ी बहन गौरी भी सो गई। जब तक वह पानी भरकर आई तो उसकी तीनों झुग्गियों में आग लगी हुई थी। इससे उसकी दोनों बेटियां झुलस गई। जब उनको बाहर निकाला गया तो गौरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और लक्ष्मी को रामवीर के भतीजे टिंकू ने निकाल दिया, जिससे वह काफी हद तक बच गई और लोगों की मदद से उसे बद्दी अस्पताल पहुंचाया गया और यहां पर लक्ष्मी को प्राथमिक उपचार के बाद PGI रेफर कर दिया गया है।